हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस सो so गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने शुरू की हमारी एच पी टेट टी जी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री प्रपरेशन सीरीज जिसके कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम जीके सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का टेट है आपको थर्टी क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी से पूछे ही जाते हैं सो so, शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर वन इज विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्ट लेबर आर्टिकल सिक्सटीन ट्वेंटी टू और आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स आर्टिकल सिक्सटीन इज equality of opportunity in matters of public appointment okay so this is article 16 now what is article 22 it is प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस ओके नाउ आर्टिकल ट्वेंटी थ्री सो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो यही है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ट लेबर ओके एंड आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ओके सो ये जो क्वेश्चन है आर्टिकल से रिलेटेड ये आपसे जी के सेक्शन में भी पूछा जाता है तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर एड किया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अट अ प पर्सनैलिटी ट्रेट इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है इंटेलिजेंस इंटरेस्ट इमोशन ओनेस्टी सो इंटरेस्ट भी पर्सनैलिटी ट्रेट है इमोशन भी एंड ओनेस्टी भी पर्सनैलिटी ट्रेट है सो so, जो पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है वो है इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस किस तरह का ट्रेट है सो इंटेलिजेंस इज टिव ट्रेट ओके नेक्स्ट वन विच डोमेन फोकस ऑन फीलिंग्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज कग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन और नन ऑफ दीज सो जो हमारा कग्निटिव डोमेन है इट रिलेट्स विद माइंड ओके दैट इज जिसको हम हेड भी बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन रिलेट्स विद हर्ट यानी कि जो भी हमारी फीलिंग्स हैं एटीट्यूड्स हैं या फिर वैल्यूज हैं वाइल मोटर डोमेन रिलेट्स विद हैंड यानी कि जो भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं उसके साथ सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज अफेक्टिव डोमेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच थ्योरिस्ट यूज द हज डायलेमा किस थ्योरिस्ट ने हेंज डायलेमा का यूज किया था अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वाइगॉक्स पियाजे कोहलबर्ग सिगमंड फ्रूट राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज कोहलबर्ग और कौन सी थ्योरी दैट इज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फोसिस सो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी सो हॉवर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसमें उन्होंने कितनी तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपने कमेंट करना है ओके okay? क्योंकि पहले बहुत बार ये क्वेश्चन हमने रिपीट किया है सो so, ऑप्शन देखेंगे कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स जनरल इंटेलिजेंस कॉमन एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन स्कूल्स और द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल सो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस और हर इंडिविजुअल की अलग एबिलिटी सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट डेवलप्स इन विच एज बर्थ टू एटीन मंथ्स एटीन मंथ्स टू थ्री ईयर्स थ्री टू सिक्स ईयर्स और सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स सो ये जो क्वेश्चन आया है फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो किसने दी थी एरिक Eric एरिक्सन ने और उनकी थ्योरी का नाम साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ओके okay? जिसमें उन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी जिसमें उन्होंने एट स्टेजेस दी थी अपनी थ्योरी में डेवलपमेंटल स्टेजेस किसी भी इंडिविजुअल की ओके okay? सो so, जितनी भी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं साइकोलॉजी की उनकी एक अलग से वीडियो है मेरे चैनल पर उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मैं दे दूंगी वहां से आप देख सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर स्टेज सो आप सभी को पता है कि कौन सी थ्योरी की स्टेजेस हैं ये हैं जीन प्याजे की थ्योरी जीन प्याजेज कनेटिव डेवलपमेंट ओके सो so, सबसे पहले कौन सी स्टेज है जीन प्याजी की थ्योरी की सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर डी देन प्री ऑपरेशनल देन कंक्रीट ऑपरेशनल देन फॉर्मल ऑपरेशनल बी सो ये देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये सीक्वेंस सही है सो so, ये सही है ऑप्शन थ्री में डी ए सी बी सो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन आपसे एक और भी आता है इस थ्योरी में एज पूछी जाती है सो so, सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी मोटर जिसमें जीरो टू टू ईयर्स देन प्री ऑपरेशनल टू टू सेवन ईयर्स देन कंक्रीट ऑपरेशनल सेवन टू इलेवन एंड फॉर्मल ऑपरेशनल इलेवन टू फिफ्टीन तो ये भी आपको याद रखनी होती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर इमोशन इज अभी लास्ट टाइम ही टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इमोशन मास्टर इमोशन है फेयर एंगर जेलसी लव सो मास्टर इमोशन इज फेयर डर जो है वो मास्टर इमोशन है नेक्स्ट वन वेयर द वर्ल्ड साइकोलॉजी कम फ्रॉम जो साइकोलॉजी वर्ड है ये किस लैंग्वेज से लिया गया है इटालियन ग्रीक लैटिन नन ऑफ दीज राइट आंसर इज ग्रीक वर्ड ओके नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर टर्म ऑफ री एन्फोर्समेंट री एनफोर्समेंट के लिए कोई दूसरा शब्द क्या हो सकता है रिवॉर्ड कंडीशन रिस्पॉन्स नन ऑफ दीज सो री एनफोर्समेंट का दूसरा शब्द बहुत ईजी क्वेश्चन रिवॉर्ड ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ आई क्यू इन पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन इज सो आई क्यू से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ये पूछा जाता है कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उनका आई क्यू कितना होता है तो वो होता है वन थर्टी के अबव और आप बताओगे कि जो एवरेज बच्चा होता है उसका आई क्यू कितने से कितने के बीच हो सकता है ओके okay, रेंज आपको बतानी है सो so अभी चलेंगे हमारे क्वेश्चन पर इसमें पूछा गया है कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन 10 टू 19, 35 टू 54, 20 टू 34 या फिर 55 टू 70। अगर कोई भी इंडिविजुअल है उसका आईक्यू 70 से बिलो है तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा ओके बट मेंटली रिटार्डेड में भी आगे ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे माइल्ड मेंटली रिटार्डेड मॉडरेट मेंटली रिटार मेंटली रिटार्डेड या फिर प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड ओके सो जिसका आई क्यू टेन से नाइनटीन के बीच में होगा वो आएगा प्रोफाउंड मेंटली ओके थर्टी फाइव टू फिफ्टी फोर के बीच में जो होगा वो आएगा मॉडरेट ओके okay, और ट्वेंटी से थर्टी फोर का आएगा सिवियर वाइल फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी का आएगा माइल्ड सो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी दैट इज थर्टी फाइव टू फिफ्टी फोर पूछा है जिसमें मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होती है उसका आई होगा थर्टी फाइव टू फिफ्टी फोर के बीच ओके सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाई विच चिल्ड्रन एंड एडल्ट लर्न फ्रॉम सोशलाइजेशन इस तरह का प्रोसेस है जिससे बच्चे और जो एडल्ट्स हैं वो किससे सीखते हैं फैमिली स्कूल पेयर्स या फिर ऑल ऑफ देम सो सोशलाइजेशन कभी भी अकेले नहीं होती है फैमिली भी इम्पोर्टेंट है स्कूल भी इंपॉर्टेंट और पेयर्स भी इम्पोर्टेंट है राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट वन स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड है एजुकेशन प्रोग्राम फॉर टेलेंटड स्टूडेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्ड सो स्पेशल एजुकेशन टैलेंटड बच्चों के लिए नहीं होती है ना ही टीचिंग प्रोग्राम है किसी भी टीचर uh, के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है या फिर किसी भी रिटार्ड के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये है जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है नेक्स्ट वन चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ फाइव बच्चे की मेंटल एज कितनी है फाइव इयर्स और जबकि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है फोर ईयर्स तो आपको कैलकुलेट करना है कि उसका आईक्यू कितना होगा सो so, ये एक फॉर्मूला से होता है पिछली बार भी आईक्यू से क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट द आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल सो so, आई का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सो वैल्यूज पुट करेंगे मेंटल एज है बच्चे की फाइव क्रोनोलॉजिकल एज है फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ओके सो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव इज वन ट्वेंटी फाइव क्या आंसर आया हमारा वन ट्वेंटी फाइव ऑप्शन इज द राइट आंसर सो so, आपको आई क्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई बार आपको इस तरह से न्यूमेरिकल भी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें कितने टाइम तक इन्फॉर्मेशन रहती है थर्टी सेकेंड्स या फिर उससे भी कम फिफ्टी सेकेंड्स मोर देन फिफ्टी सेकेंड्स none ऑफ द above. सो शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे नाम है शॉर्ट टर्म बिल्कुल थोड़े समय के लिए सो राइट आंसर इज ऑप्शन है थर्टी सेकेंड्स या फिर उससे भी कम नेक्स्ट वन वट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस ट्राई टू नो द एबिलिटीज इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल क्या ये काम है टीचर का जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं या फिर ऑप्शन बी ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर दोनों ऑप्शन ए और बी सही है या फिर दोनों ही गलत है सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट वन फ्रोबिल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज हिज डेवलपमेंट ऑफ द फ्रोबेल की एजुकेशन में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किस एरिया में है वोकेशनल स्कूल किंडर पब्लिक स्कूल या फिर स्कूल सो राइट आंसर इज किंडर गार्डन ओके इन्होने ही ये मैथड दिया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने इन्होंने फर्स्ट किंडरगार्डन स्कूल ओपन किया था जर्मनी में इन द ईयर एटीन थर्टी सेवन ओके फ्रेडरिक फ्रोबेल नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश एट क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ बनी थी तो वह बनी थी लिपजिंग जर्मनी में और किसने सेटअप की थी वे ओके जब बात आती है इंडिया की तो इंडिया में कहाँ पर लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई थी पहली साइकोलॉजिकल डेली यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी बॉम्बे यूनिवर्सिटी डी नन ऑफ दीज सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ओके okay. और कौन से ईयर में 1916 और किसकी लीडरशिप में इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता सो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपको वर्ल्ड में कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है इंडिया में नेक्स्ट वन हु इज़ द फाउंडर ऑफ द इंडिविजुअल साइकोलॉजी एल्फ्रेड बिने एल्फ्रेड एडलर डेविड हल नन ऑफ दीज ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बहुत बार आता है द फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी इज Alfred Adler. Option B is the right answer. Next question. Dash is the branch of psychology that studies the process of sending, perceiving, learning, and thinking about the word. Clinical psychology, experimental psychology, educational psychology, or developmental psychology. So, SE branch psychology ki. वो किसको स्टडी करती है सेंडिंग परसीविंग लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर टू डेज वीडियो आप कमेंट करके बताओगे कि आपके ट्वेंटी में से कितने क्वेश्चन सही हुए वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर आप चाहते हो कि आगे और भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए तो आप वो भी बता सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अल्फू लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बाय बाय टेक केयर